हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाटिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक, हम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके ड्यूटीज़ क्या हैं और ये किस तरीके से फंक्शन करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले आइए जानते हैं कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होता क्या है। देखिए, इट इज़ ऑथराइज्ड बॉडी इन इंडिया टू एक्ट अपॉन कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल्स हु हैव बीन अनेबल टू सबमिट रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ड्यू टू इधर द ऑफिसर नॉट हैविंग बीन अपॉइंटेड और रिस्पेक्टिव ऑफिसर रिफ्यूज टू एंटरटेन द एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। देखिए, आप सभी को तो पता होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 में पास किया गया था। तो RTI के तहत जो है हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको जो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले चाहिए कि आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास अपना कंप्लेंट दर्ज करवाएं या फिर आप अपना रिक्वेस्ट दें, डिमांड करें कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, भले ही वो किसी अकाउंट्स रिलेटेड हो या फिर किसी स्कीम या फिर पॉलिसी रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी हो। अगर PIO जो है आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने से इनकार करते हैं या फिर मना करते हैं या फिर कहीं पर भी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती, तो ऐसे में जो है आप डायरेक्टली जो सेंट्रल में होते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, आप उनके पास जा सकते हैं। आप अपनी रिक्वेस्ट जो है CIC चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास रख सकते हैं। तो ये ऑथराइज्ड बॉडी है जो कि RTA का, दरअसल RTA का सबसे हाईएस्ट बॉडी इसे ही माना जाता है। CIC के बाद ही जो है हमें IC होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन कमीशन, और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं, और उसके बाद जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छी सी हायरार्की डिवाइड की गई है। हम RTA के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है एज फार एज RTA, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज कंसर्न, यानी कि ये आखिरी रिसोर्ट है, आखिरी अथॉरिटेटिव बॉडी है जहां पर आप RTA से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर अपने कंप्लेंट दे सकते हैं। द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005 अंडर द RTA एक्ट 2005। इट्स ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड अपॉन ऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज, जो कोई भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम जितने भी मिनिस्ट्रीज हो गए, जो कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज जिसे हम कहते हैं, तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ से कंप्लेंट्स जो है आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपका रिक्वेस्ट जो है वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन लेगा। द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इज हेडेड बाई अ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, जिसे अगेन CIC कहते हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एक होते हैं। ही और शी इज असिस्टेड बाई 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो सबसे पहले एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और उनको असिस्ट करने वाले 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। देखिए, ये सेंट्रल लेवल पर हो रहा है, हम स्टेट लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं। तो इनका कार्यकाल जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का होता है वो 5 साल तक का होता है। On January 11, 2020, Bimal Julka had been appointed as the 10th Chief Information Commissioner for India. तो recently January 2020 में जो है Bimal Julka, जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वो 10th Information Commissioner की तरह, Chief Information Commissioner की तरह उन्हें अपॉइंट किया गया। The commissioners are appointed by the President of India on the recommendation of a committee comprising of Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, Union Cabinet Minister nominated by PM. तो यहाँ पर भी कमेटी के संगठित किया जा सकता है, establish किया जाता है, जहाँ पर Prime Minister जो है वो चेयरमैन होते हैं, Leader of Opposition लोकसभा में वो भी मेंबर होते हैं, और कोई एक nominated member, mostly एक law minister ही होते हैं member, nominated member। अगर law minister available नहीं है तो किसी और minister को भी ये position दिया जा सकता है। तो इन तीन लोगों की कमेटी जो है नाम एडवाइस करती है President को, ताकि अपॉइंट किया जाए CIC को। इट एक्ट्स अपॉन कंप्लेंट्स एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम सिटीजन एंड कंडक्ट्स इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स। जाहिर सी बात है कि PIO से आपको कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला, SIO से आपको रेजोल्यूशन नहीं मिला, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली CIC के पास जा सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके कंप्लेंट्स को लिए जाएंगे, इंक्वायरी की जाएगी या फिर बताया जाएगा कि किस लिए आपकी RTA की इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट किया गया है। During inquiries, the CAC has the power of a civil court and its annual report is placed before Parliament. तो एक क्वाज़ाय जुडिशियल बॉडी की तरह है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये RTA एक्ट से जो है अपना पावर लेती है। तो जाहिर सी बात है कि एक सिविल कोर्ट की जितनी भी अथॉरिटी होती है वो सभी इसे दी जाती है। जिस लाइक हमने ट्राइब्यूनल्स में जैसा बात किया, तो ये भी एक प्रकार के ट्राइब्यूनल की तरह ही काम करता है, क्वाज़ाय जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है। और इसके एनुअल रिपोर्ट्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, और जो इनडायरेक्टली पार्लियामेंट में जो है ले किए जाते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाटिया।